कि लोग जिस तरीके से राज्य का दर्जा छीना गया है, जिस तरीके से उनकी हक तलफी हुई है, उसके खिलाफ गुस्से में निकलकर वोट दे रहे हैं भाजपा के। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी हैं हमारे साथ। आज कश्मीर का चुनाव हो रहा है, किस तरीके से आज के चुनाव को ले रहे हैं और खासतौर से इंजीनियर राशिद की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंजीनियर राशिद की क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है, अब किसी से कुछ छिपा नहीं रहा है, सब कुछ सामने है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारे गठबंधन को पूरा आशीर्वाद मिलेगा, कश्मीर की जनता का समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा, जम्मू कश्मीर दोनों जगह। और एक बात और, जिस तरीके से लोग निकल कर 11% तक मतदान हो गया है ज्यादातर जगहों में 2 घंटे के अंदर, ये एक शुभ संकेत है कि लोग जिस तरीके से राज्य का दर्जा छीना गया है, जिस तरीके से उनकी हक तलफी हुई है, उसके खिलाफ गुस्से में निकलकर वोट दे रहे हैं भाजपा के खिलाफ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख हैं इंजीनियर राशिद, उनका कहना है कि हमारे बिना इस बार सरकार नहीं बन सकती। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरा बहुत साफ दृष्टिकोण है कि जो हमारे पास पार्टी के पास वहां से इनपुट है, उसके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां अपने बूते पर सरकार बनाएगी। ठीक है, ये आपका सर दावा हो सकता है, लेकिन इंजीनियर राशिद ये भी कह रहे हैं कि जो उनसे पूछा गया है क्या आप वक्त पड़ने पर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी आवाम के हित की बात प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, अपना बात भी सामने आ गई, जो लोगों का कयास था उस पर उनका जवाब भी आ गया। तो मैं फिर बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।